दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत सप्ताह समारोह के दौरान छठे दिन शनिवार को दीक्षा भवन में काव्यांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को अपनी अपनी रचनाओं को कविता एवं गीतों द्वारा प्रस्तुत करने का मंच दिया गया। काव्यांजलि कार्यक्रम में शहर के कवियों और गजल गायकों के साथ कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह सहित विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी और शिक्षकगण सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए काव्यांजलि कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर सुषमा पांडे ने बताया। बड़े महत्वपूर्ण होते यादगार वो ये कवि सम्मेलन, ये हमारे अजीज बेहद बेहद यशस्वी जी की कदमों में कई काज पड़ गए। तो जानते हैं कि कवि सम्मेलन का आगाज जब होने जा रहा है, हम पहले साहित्य को बुलाएंगे। हालांकि उसके साथ इनका श्रृंगार का कवि है, इसे के साथ तनवीर गाजी के इसे के साथ बुलाएंगे कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार के शक आज भी है। और नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ को भी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आ रही है। उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस 38वें दीक्षांत समारोह के सप्ताह में के इस शुभ अवसर पर हम सभी काव्यांजलि 3 का आयोजन कर रहे हैं। इसमें मुख्य बात यही कि इस दीनदयाल उपाध्याय परिसर के ही जो विद्यार्थी हैं, जो विभिन्न विषयों और अनुशासन से संबंधित है, वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और जो समाज के सरोकार हैं, राष्ट्र के सरोकार हैं, हमारी संस्कृति के सरोकार हैं, ऐसे सभी तत्वों के प्रति और हमारी साहित्य के जो सरोकार हैं, उनको ले करके विद्यार्थियों के मन की जो उत्कंठा है और उसको लेके जो झुकाव है उर्दू के, हिंदी के, जो भाषा के प्रति, उसको विद्यार्थी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये शाम है। हमारे जो बहुत गोरखपुर के धरती के जो बहुत मशहूर शायर हैं फिराक साहब, उनके नाम ये हम शाम करते हैं और हमारे विद्यार्थी उन्हीं के नाम को ये शाम को उनके नाम पर करते हुए अपनी शानदार प्रस्तुतियों को इस समय दे रहे हैं। और हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार, शिक्षक समेत हमारे कुलपति जी, प्रतिकुलपति, हमारे विभिन्न विभागों के संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, और सबसे बड़ी बात जो मेरे संयोजक हैं प्रोफेसर रजीउर रहमान सर, और हम मैं प्रोफेसर सुषमा पांडे, और हमारी एक अपनी टीम है, हम लोगों ने मिल करके इसको एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है कि हमारे बच्चों को एक ज़मीन मिले जिससे कि जो उनकी प्रतिभा है जो वो बाहर जाकर के प्रदर्शित करते, वो उसे अपने परिसर में दे। इसमें हम अपने कई अनुभवी और कई नए कलाकारों को भी इसमें हम स्थान दे रहे हैं जिससे कि आगे वो जा करके एक राष्ट्रीय स्तर पर, जिले से निकल करके राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फलक पर भी अपना जो है वो लोहा मनवा सके। तो आज की शाम पुनः मैं सभी को बधाई देती हूँ इस खूबसूरत शाम में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने संयोजक प्रोफेसर रजीउर रहमान सर को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके इस दायित्व को निभाने का मुझे जिम्मा दिया। और आपको भी बहुत बहुत बधाई इस सुंदर शाम को।